अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्पेशल एमडीकैट क्या है और कौन से बच्चे जो है वो स्पेशल एमडीकैट का इम्तिहान देंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि 29 नवंबर को एमडीकैट कंडक्ट किया गया था, लेकिन ये एमडीकैट उन तमाम कैंडिडेट्स का था कि टेस्ट में कोविड-19 नेगेटिव आया था। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया है और उनकी रिपोर्ट में कोविड-19 नेगेटिव आया है, उनका एंट्री टेस्ट हो गया। इसके अलावा स्पेशल एमडीकैट जो है वो 13 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा, उन तमाम बच्चों के लिए कंडक्ट किया जाएगा जिनको कोविड-19 पॉजिटिव आया है। पहले तो आपने अपना टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो इस पॉजिटिव रिपोर्ट को आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाकर के अपलोड करना है। यहाँ पर आपने अपलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनटीएस की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो है अपनी रिपोर्ट को अपलोड करना है। रिपोर्ट को आप अपलोड करेंगे तो आपका रोल नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपकी जो टेस्ट सेंटर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तमाम बच्चे जिनका कोविड-19 पॉजिटिव आया, उनका एंट्री टेस्ट 13 दिसंबर को होगा। अब स्टूडेंट्स, एमडीकैट के पेपर के लीक होने से मुतल्लिक ये बात चल रही थी कि पेपर को लीक किया गया है। देखें, पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। जो भी न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ चली है, वहाँ उन्होंने बगैर किसी सबूत के जारी कर दी है। उस चैनल्स में जो पेपर दिखाया गया है वो फेक पेपर है, वो ओरिजिनल पेपर नहीं है। सारे गुरु ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को फेक पेपर दे रहे थे, और फेक पेपर देने के साथ साथ उनको गारंटी दे रहे थे कि आपको 180 प्लस नंबर्स मिलेंगे। टेट के पेपर के लीक होने से मुतलिक जो भी न्यूज़ चली है वो तमाम फेक। वह स्टूडेंट्स जो तमाम कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, उनका एंट्री टेस्ट आपके पास 13 दिसंबर को होगा। होप्स हो कि आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।